नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल की एक बहुत ही खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया होंगे। सर, यह मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जाने की आने वाले अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार आपके लिए रहने वाला है, कौन कौन से बड़े लाभ होंगे, क्या क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किस तरह से आपको बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और यही आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखे बिना, काटे बिना, स्क्रिप्ट किए देखिए। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, खुशखबरी भी है और वीडियो के अंत में हमने आपके लिए खास उपाय बताया है। जो भी जातक सच्चे मन से इस उपाय को कर लेगा, उनके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। धन आने के सभी मार्ग खुलने लगेंगे, बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो उपाय बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारिक रहने वाली है। दोस्तों, आज की है वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मां भाग्यशाली वीडियो रहने वाली है, जो कि आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में जो बातें हम बता देंगे वह 100% होकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप लोग जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि आज की इस वीडियो में एकदम 100% सटीक भविष्यवाणी होने वाली है, एकदम ब्रह्मा के लकीर होने वाली है आज की यह वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल विचार के साथ। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मैंने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। और यह खुशियां मांगने से नहीं बल्कि खुश रहने से आती है। इसलिए चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, खुद को कभी टूटने मत देना, खुद को हमेशा खुशहाल रखना, क्योंकि टूटी हुई चीजों की इस धरती पर कोई कीमत नहीं होती है। यहां तक टूटी हुई मूरत यानी कि भगवान को भी लोग अपने घर से निकाल देते हैं। अगर बात समझ आई हो, मेरी इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोले, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जो आपके भाग्य में है वह भागकर आपके पास आने वाला है और जो चीज आपके भाग्य में नहीं है वह भी आपको मिलेगा। इतना भाग्यशाली समय आपके लिए है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य आपका अच्छा खासा साथ दे रहा है। इस समय अवधि में आपको हर एक क्षेत्र से लाभ मिलेगा। नौकरी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बने हुए हैं और धन दौलत के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, हर एक क्षेत्र में आपको अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी। अपनी ऊर्जा का और समय का आपको भरपूर सदुपयोग करना है। गलत चीजों पर अपना ध्यान और अपना फोकस केंद्रित मत होने देना, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, समय बहुत ही भाग्यशाली है, इस समय का कद्र करें और इस समय का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय का चाल अभी आपके पक्ष में है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि आपको इस समय अवधि में जमीन जायदाद, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। जी हां, समय की चाल बदल रही है, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। इस समय माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और आप माता पिता के आशीर्वाद से अपने जीवन में खूब सारा तरक्की करेंगे और कुछ समय आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि कुछ समय अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर व्यतीत करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक कहावत है, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसीलिए परिवार के बिना जीवन नहीं है। इसलिए कहते हैं, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगने लगे तो
तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है और बहुत ही जल्द वह घर बर्बाद हो सकता है, वह घर उजड़ सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। जीवन के अन्य क्षेत्रों के अनसुलझे मुद्दों से आपकी सेहत भी प्रभावित होगी। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन काम और रिश्तों के तनाव के कारण आपको सोने आराम करने में समस्या आ रही है। पेट की परेशानियां भी हैं। इसका समाधान यह है कि आप इसे शारीरिक समस्या न मानकर अपने मानसिक तनाव से राहत पाने की कोशिश करें। आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार और दुलार करे। आपकी यही इच्छा आपको असुरक्षित और डिमांडिंग दर्शा सकती है। आप आज बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और अपने पार्टनर को, अपने अफेयर को निजी स्तर तक सीमित रखने को कहेंगे। यह काफी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों एक ही जगह काम करते हैं। उस मुश्किल स्थिति का अंदाज लगाएं जिसमें आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में ये समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हरेक पल आनंद लेंगे। आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रहें। आज का दिन मजे और कार्ड्स के नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत है। कोई डांस या हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आप पार्टी में चमकेंगे और आपके प्रिय या होने वाले प्रिय आपके इस आकर्षण से काफी प्रभावित होंगे। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ डीडीएच सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ डीएच सकती है, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज आपको अपनी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पर डीडीडीएच सकती है, लेकिन अब अगर आप सेहत संबंधी उनकी सलाह पर अमल नहीं करेंगे तो आपको गंभीर स्थिति का सामना करना पर डीडीडीएच सकता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, छोटी से छोटी तकलीफ की भी जांच कराएं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फिट भी रह पाएंगे और तकलीफों से भी बच पाएंगे। आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा। आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है। इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक विवादास्पद दिन हो सकता है। आपका किसी के लिए बुदबुदाना या क्रोधित होना व किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशेवर जीवन बर्बाद हो सकता है।
इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं जो कि सही नहीं होगा, इसलिए आसपास के ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है, आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं, दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। यात्रा और यात्रा के व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहे और जिससे आप जल्द ही कुछ लाभ पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन के देवता, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी ने दिया बहुत बड़ा आदेश कि आपको ढेर सारा रुपया पैसा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी की आशीर्वाद से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में भगवान कुबेर महाराज जी का वास होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपका पूरा घर पैसों से और धन दौलत से भरने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं दोस्तों। दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़े शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहां समय से आपको अपने जीवन काल में कौन कौन से शुभ संकेत मिलने वाले हैं। आपको अपनी व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आपको अपने दैनिक दिनचर्या में व अन्य सभी क्षेत्रों में यह समय से कौन कौन से परिवर्तन लेकर आ रही है, कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानती हैं पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान कुबेर महाराज जी की सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। इससे भगवान कुबेर महाराज जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखेगा। आइए दोस्तों जानते हैं, दोस्तों आज की यह वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। जी हां, इसलिए अगर कोई आसपास ना हो, अगल बगल में कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी एक ऐसा चाल चलने जा रहा है जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अचानक से बदलेगा, अब आपका भाग्य देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और आप अपने जीवन में अब ऐसी तरक्की करेंगे, अब आप अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ेंगे जिससे देखकर आपके दुश्मन सीधा बेहोश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली की चाल बदल चुकी है, अब वह लाभ की स्थिति में पहुंच चुकी है जिससे अब आपको लाभ ही लाभ होगा। भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी तो आपके ऊपर मेहरबान है ही, साथ ही साथ धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि अब आपकी टूटी फूटी किस्मत पुनः चमकेगी और आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त पर काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान आपके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देंगे, क्योंकि जो इंसान ईश्वर पर यकीन रखता है ईश्वर उनके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देता है।
इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। बधाई हो, डमरू वाले बाबा ने दिया 5 बड़े शुभ संकेत, जो कि धरती पर ही आपको स्वर्ग का वह सुख मिलने वाला है जिन सुखों के बारे में आपने सपना देखा था। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, तो तैयार रहना, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको यह एहसास होने वाला है कि भगवान के घर देर तो है परंतु अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के रहते हैं, और जिनके ऊपर भगवान एक बार मेहरबान हो जाते हैं उनकी जीवन में समझ लो कि 4 चांद लग जाती है। जी हां, आपके जीवन में डमरू वाले का कृपा बरसेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको अगले 7 जन्म तक नहीं मिला होगा। अगर आप मजाक समझने की भूल करोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, इसलिए मजाक समझने की गलती मत करना, और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से कलयुग में पहली बार इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जी हां, कहने का तात्पर्य है आपके जीवन में एक नई बदलाव देखने को मिलेगा, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी कैरी, हम आप सभी को बता दें सूर्य ने हाल ही में अपना बड़ा राशि परिवर्तन किया है, इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे भी आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बिजनेस व्यापार करने वाले जातक आज जरा सावधान रहें, क्योंकि आज नुकसान होने की आशंका थोड़ी ज्यादा लग रही है। खास तौर से व्यापारी लोग आज उधार देने से बचेगा, नहीं तो आपका धन डूब सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी परेशानियां अब दूर होने वाली, और यह परेशानियां प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से दूर होंगी। इसलिए आप प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी को भी पूजा करें, और हनुमान जी के अंगूठे में लगा सिंदूर को आप अपने सर पर लगाकर घर से निकले, तो इससे आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। और जो काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपका वह काम बनने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। जी, उपाय छोटा सा है, बहुत ही सरल है, आप एक बार आजमा कर देख सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं, केवल लाभ ही लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपको किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई डील यदि फाइनल होते होते रह गई थी तो उसके फाइनल होने की संभावना है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए कारोबार में अच्छा अवसर लेकर आने वाला है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपको अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा, और आप अपनी वाणी व व्यवहार से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, जिससे आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन से फोन कॉल के जरिए कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के पूरा न होने से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाना होगा। आपको किसी के कहने में आकर कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, और आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। कोई पुराना जमीन से जुड़ा मुद्दा फिर से उभर सकता है। आपको अपने पिताजी की सलाह लेकर आगे बढ़ना होगा। यदि आप किसी वाहन की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको अत्यधिक मात्रा में धन लगाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। खर्च अधिक करने की आदतों के कारण परेशान रहेंगे। संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला मिल सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाएंगे, जिसमें उनका अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं को लेकर आप अपने माताजी से बातचीत कर सकते हैं। आज आपके घर किसी नए अतिथि का आगमन हो सकता है, और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपकी आय में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। आपका कोई पुराना प्रॉपर्टी से जुड़ा काम अटक सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे। आपको किसी से कर्ज मजबूरी में अगर लेना पड़े तो सोच विचार अवश्य करें। आप यदि किसी से कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी।
आप अपने कामों में ध्यान लगाएं। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। भाई व बहनों से आपकी खूब पटेगी। आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी बातचीत करेंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में आप अपने सीनियर से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपको किसी मित्र की याद सता सकती है। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती होते होते रह सकती है। आप अपने बॉस से किसी बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जाएंगे। आपके भाई आपकी किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। नौकरी में आ रही समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामों में विघ्न आने से आपको परेशानी होगी, लेकिन आप अपनी सुविधाओं पर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा लाभ मिलेगा और माता पिता की सेवा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए आय के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके लिए गए फैसले की सराहना होगी। जीवन साथी से चल रहे किसी आपसी लड़ाई झगड़े को बातचीत के जरिए दूर करेंगे। काम को लेकर उलझन में रहने के कारण समस्या आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में यदि कुछ बदलाव करने की सोच रहे थे तो वह आप कर सकते हैं। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। जीवन साथी आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। व्यवसाय में आप तरक्की के राह पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ रुकावटें आएंगी जिन्हें आप दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आप यदि किसी पर भरोसा करेंगे तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। राजनीति की ओर रुक कर रहे लोग अपने कामों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपको किसी महिला मित्र से धोखा मिलने की संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। माता जी का कोई पुराना रोग उभरने से आपको समस्या आएगी। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप कहीं मित्रों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे। आपको किसी मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। आप आज अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बिजनेस के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आपको अपने कामों पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को पूरा करने में समस्या आ सकती है।